रुक जा, आदत करे सलगुन साइड में रुक जा। अपनी टीम बुला ली आपने सर? हो गया कितनी रिकवरी जय ना। नहीं नहीं ये ना रुपए नहीं नोट होता है ना। ये एक 5 सदस्यीय नकबजनी गैंग को पकड़ने में क्राइम ब्रांच और मुरार पुलिस की टीम ने सफलता अर्जित की है। इनको दिल्ली से पकड़ा गया है और 14 तारीख के दिन में साईं काका अपार्टमेंट मुरार में एक बड़ी नकबजनी की वारदात हुई थी और उसके बाद से क्राइम ब्रांच और मुरार की टीम पतासाजी कर रही थी और सूचना मिलने पे हमने करीब 5-6 टीमें दिल्ली भेजी हुई थी और वहाँ पे इन आरोपियों को पकड़ा गया है। ये कुल 5 आरोपी हैं जिसमें जो इनका मास्टरमाइंड है उसकी आयु 70 वर्ष की है और उसके विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न थानों में 20 अपराध दर्ज हैं और उसका जो एक अन्य सहयोगी है उसके भी 10 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। और पूछताछ पे इन लोगों ने 14 तारीख को मुरार की नकबजनी, इसके अलावा 5 तारीख को विश्वविद्यालय क्षेत्र में हुई एक बड़ी नकबजनी और 14 तारीख को ही मुरार ये थाटीपुर क्षेत्र में हुई एक नकबजनी का खुलासा किया है और इसके अलावा 2 अन्य जगह पे भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था, प्रयास किए थे किंतु ये सफल नहीं हो पाए। ये बहुत ही शातिर गैंग है। ये एक गाड़ी में, अपनी लग्जरी गाड़ी में दिल्ली से निकलती है और जब निकलती है दिल्ली की ओरिजिनल नंबर प्लेट लगा के निकलती है और जब जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की नंबर प्लेट ये लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश की इन्होंने नंबर प्लेट लगाई और तमाम CCTV देखने के बाद इनके आने जाने के रूट पे 2 गाड़ियों को आइडेंटिफाई करके, 2 एक जैसी दिख रही थी परंतु नंबर भिन्न थे और उससे जाके ये गैंग पकड़ा गया है और अब इनसे पूछताछ और की जा रही है क्योंकि इनसे जो रिकवरी हुई है वो 3 नकबजनियों के हिसाब से अभी काफ़ी कम है। इनका PR ले लिया गया है और PR लेके हम पूछताछ कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें जो अधिक से अधिक हम रिकवरी कर सकें। कुल मिला के एक अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग है और बहुत अच्छी सफलता क्राइम और मुरार की टीम ने इसमें।